डर का माहौल है, बहुत कोरोना का डर हर किसी के दिल में बैठा हुआ है। रमज़ान की खुशियाँ भी ज़्यादा लोगों के चेहरों पे नहीं दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा डर है। जिससे भी बात करते हैं वो कोरोना की बात लेके खड़ा हो जाता है कि अस्पतालों में अगर मरीज़ जाते हैं तो वहाँ पर जो है एडमिट नहीं कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं आप घर के अंदर ही इलाज करो। जैसा कि सरकार बोल रही है कि पब्लिक के लिए हमने बहुत सारी सुविधाएँ रखी हैं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि कुछ लोग मुझे रात में दिन में मिलते हैं वो यही बोलते हैं कि हम अस्पतालों में जाके टक्करें मार रहे हैं, डॉक्टर हमारा साथ नहीं दे रहा है, बोल रहे हैं कि घरों पे जाओ, क्वारंटाइन करो। इबादत और इताअत ही करना हो तो अपने घर से बेहतर कहीं इबादत और इताअत नहीं हो सकती। और मेरे ख्याल से अगर मुसलमान अपने घर में इबादत और इताअत और रोज़ा रखे तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी सआदत और बहुत बड़ी ये खुशनसीबी होगी। तो हम तमाम मुसलमानों से यही कहना चाहते हैं कि इस साल वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में इबादत और इताअत करें और रोज़ा रखें और कोरोना के लिए जो गाइडलाइन आई है उसके ऊपर अमल करें तो आपका रमज़ान महीना कबूल होगा और ईद की खुशी भी हकीकत में आपको मयस्सर हो जाएगी।